कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका आगे किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब होगन्स प्रिंसिपल, कल जितना हमने लास्ट देखा था बस वो लास्ट था। अब होगन प्रिंसिपल की जो थियरी थी उससे हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन भी पता लगता है, बिकॉज वो एक वेव थियरी है। बट उसको प्रूव करने वाले यंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूव किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, मतलब उस एक्सपेरिमेंट पे क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। एक्चुअली देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, हम चाहे तो उसको डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा अरेंजमेंट था, ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन आया। जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, है ना भाई, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल छोड़े, डेबिट हुए नहीं हुए, ऑब्जर्वेशन पढ़ो, उसके कंक्लूजन निकालो, खत्म हो जाएगी कहानी, और उसके फिर रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बट पहले एक्चुअली आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या तो वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम वेव्स, बट हमने चैप्टर नंबर 8 में वेव्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हुई है, आप फटाफट उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, अगर प्रोपोगेट हो रही है इस टाइप से प्रोपोगेट हो रही है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड और कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रोपोगेशन दिखाया आपको। ओके, ओके, तो बड़े काम करते हैं ना। देखो एक्चुअली वेव चल रही है, ये वेव चल रही है, इसको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मैं छोड़ दूं किसी समय, तो देखो इस समय इसका कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल इधर है, कोई पार्टिकल यहां है, कोई यहां, कोई यहां। इन शॉर्ट देखने से तो मुझे लग रहा है कि ये जो वेव है, अभी के लिए मैं इस वेव को वाई से डिनोट करता हूं। ये जो वाई है ये दो चीज पर डिपेंड कर रही है, पहला तो डिस्टेंस, जैसे जैसे आगे जाएगी इसका चेंज होता जाएगा। देखो ना, यहां ये पार्टिकल इधर इतना है, यहां इतना, देखो ये एक्स हो गया है क्या नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी पार्टिकल की। ठीक है, दूसरा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये टाइम पे भी डिपेंड है। देखो ना, आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब वेव जो है वो एक्स और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही है। सो हमने इसको मिला के एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 में देखी थी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, याद है कुछ, जहां पे ए का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। बड़ा इसी वैल्यू को यूज करके हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिकल फील्ड दिखाई थी, याद है। अच्छा, ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी फॉर्मूला होती है 2πf, बोलो सही है। फिर टी का मतलब तो हमको पता है टाइम, के क्या होता है बेटा, कांस्टेंट वेव नंबर, के क्या होता था, वेव नंबर, और वेव नंबर की फॉर्मूला कहां से आती थी, 2π/λ, जहां पे लैम्बडा क्या है, वेव लेंथ। देखो बच्चा, ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं एक्चुअली, और ये चीज यहां भी जरूर पड़ सकती है, इसलिए एक एक चीज को हम रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलिए ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज मिसिंग है, वेलोसिटी ऑफ वेव। बड़ा याद है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव हम कैसे लिखते थे, ओमेगा बाय के, जहां पे ओमेगा 2πf, के की वैल्यू 2π/λ, 2π कट, और ये आ जाता था एफ लैम्ब्डा। सो वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय एफ लैम्ब्डा, वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय एफ, एफ का रेसिप्रोकल टी, लैम्ब्डा बाय टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ आ रहा है। तो ये सारी कहानी हमने पहले देखी थी, के मतलब वेव नंबर, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
एंड ये प्लस और माइनस की भी कहानी हमने समझी थी। फिलहाल हम इस चैप्टर में प्लस माइनस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमने देखा था कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे या तो प्लस या तो माइनस आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब एक्चुअली ऐसा पता लगा कि जो लाइट है ना बेटा, लाइट हैज वेव नेचर, लाइट हैज वेव नेचर, ये हम सबको पहले से पता ही था। अब बेटा लाइट हैज वेव नेचर का क्या मतलब है कि लाइट एक वेव की तरह ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब यहीं से हमको पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत लाइट है, अभी हो जाएगा डार्क बेटा, अभी इसको मैंने दबा दे दी है, धीरे धीरे डार्क हो जाएगा। सो मेन हमें क्या समझना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेटा, इसकी डेफिनेशन हम अगले 5 मिनट में देखेंगे, पहले समझते हैं कि होता क्या है। मान लो कि मैं यहाँ पे दो लाइट रे लेता हूं, ये पार्टिकल पी ले लिया एंड कह देते हैं कि ये जो लाइट रे है ये आके आके इस पे इस तरीके से टकराई, दूसरी कोई वेव ले लेते हैं ये इस पे इस तरीके से आके टकराई। अब इस पॉइंट पार्टिकल पी का, इस पार्टिकल पी का जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, तो बड़ा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वेव वन और वेव टू के कारण। समझ में क्या बोल रहा हूं, देखो ये वेव थी, इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस केएक्स, सेम इसका भी वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस केएक्स। अब अगर इस पॉइंट पे आ रही है तो बड़ा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि अगर ये वेव इसको 2 सेंटीमीटर नीचे लेके जा रही है और ये वेव भी अगर इसको 2 सेंटीमीटर नीचे लेके जा रही है तो इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या अगर ये इसको नीचे लेके जा रही है 2 सेंटीमीटर से, और अगर मान लो कि ये वेव कुछ ऐसा हो जावे कि ये इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा रहा है और मान लो कि ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करा रहा है तो इस पॉइंट पी का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? सो इट इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो यहां पे जो पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो जाएगा, 1 के कारण एंड 2 के कारण, हमने ऊपर वेक्टर एडिशन कर दिया बेटा, इसका मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है वेव्स के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द नेट डिस्प्लेसमेंट of any particle is due to the individual displacement of two or more waves। अभी तक हमने बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, इंटरफेरेंस का डेफिनेशन नहीं देखा है। अब ये क्या हुआ, देखो बेटा सुपरपोजिशन का एक और यहां पे मतलब है, एक और मतलब क्या निकल रहा है कि भाई इफ टू वेव्स आर इन सेम मीडियम इट बिहेव्स as it present alone। यार ये statement का मतलब जरा ध्यान से समझो, आपको अगर ध्यान हो तो आपके chemistry में है Dalton theory of gases आपने पढ़ी होगी। Yes sir। उसमें Dalton ने क्या कहा था कि if two or more gases are present in any container that it spreads as if it is present alone। कुछ ऐसी theory पढ़ी थी आपने? Yes sir।
बच्चा लोग जो लिख रहे हैं पहले यहां देख लेना, आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का। कुछ पढ़ा था ऐसे डेल्टन ने भी, उसमें क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में या किसी स्पेस में दो या दो से ज्यादा गैस है, इसका मतलब वो ऐसे बिहेव करेगी कि वो खुद ही वहां पे हो, यानी कि वो हर तरफ फैलेगी। सिमिलरली बेटा, अगर कोई वेव, दो या दो से ज्यादा वेव एक ही साथ प्रेजेंट है, तो वो एक अकेली वेव को ऐसा दिखाती है। मतलब ये वेव को जितना डिस्प्लेसमेंट कराना है पार्टिकल पी का, वो उतना डिस्प्लेसमेंट कराएगी। अब वो बोल रहा है कि मेरे को 2 सेंटीमीटर नीचे लेके जाना, तो वो उसको 2 सेंटीमीटर नीचे लेके जाएगी। अब कंफ्यूजन, सर अगर 2 इसके कारण नीचे जाएगी और 1 इसके कारण ऊपर जाएगी तो ओवरऑल तो नीचे बन जाएगी? नहीं, यहां पर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली ये इसको पहले 2 नीचे लेके जा रहा है और इसके कारण ये 1 ऊपर आ गया। मतलब हुआ क्या कि ये पार्टिकल पहले 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया और उस वेव के कारण वापस 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से होगा। समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है? यानी 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आ रहा था कि दोनों साथ में आए तो ये 2 के बदले नीचे 1 ही गया, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, तो बड़ा इंटरफेरेंस के कारण कोई भी पार्टिकल, देखो अब इसका प्रैक्टिकल यूज में आपको बताता हूं। बड़ा सपोज करो कि आप किसी रूम में खड़े हो और उस रूम में 2 लाइट है, आमने सामने है, और अगर आप बीच में खड़े हो तो आप कई बार काले दिखाई देते हो, मतलब आप इतने ग्लो करते हुए नहीं दिखाई देते, या तो फिर आप साइड में खड़े हो तो ग्लो करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आप सेंटर में खड़े हो ना तो आप एकदम ग्लो कर रहे हो। इसका मतलब इंटरफियरेंस कैसा भी हो सकता है, इट माइट पॉसिबल। देखो बच्चा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों वेव्स इसको सेम डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रही है ना, ये भी नीचे लेके जा रहा है, ये भी नीचे लेके जा रहा है। मतलब अब जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ओवरऑल एम्पलीट्यूड वो तो इंक्रीज हो गया। अब वो इंक्रीज हो गया मतलब किसी एक जगह पे ब्राइटेस्ट पॉइंट मिल गया, 2 लाइट जो पार्टिकल को एक साथ डिस्प्लेस करा रही है, इसका मतलब उस पोजीशन पे काफी ब्राइटनेस हो गई है। देखो जैसे कि आप एक रूम में लाइट चालू करते हो, बट उसकी रोशनी रूम के किसी हिस्से में अच्छी आ रही है लेकिन दूसरे हिस्से में अच्छी नहीं आ रही है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइट है एक ही रूम में है तो भी कई बार ऐसा होता है। अब जैसे कि हम कैमरे के आगे खड़े होते हैं, 2 लाइट यहां पे है, फिर भी हम कई बार ब्लैक नजर आते हैं या फिर भी बोर्ड इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। उसका रीजन ऐसा होता है कि जब 2 लाइट आ रही है वो एक पार्टिकल को इस तरीके से डिस्प्लेस करा रही है कि उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कम है, ओवरऑल एम्पलीट्यूड कम हो गया। जैसे कि यहां पे हुआ था 2 और 1, तो ओवरऑल कम हो गया। अच्छा, अब ऐसा हो जावे कि मान लो ये इसको नीचे लेके जा रहा है 2 सेंटीमीटर से, और दूसरी कोई वेव पता नहीं कहां से आ गई, वो इसको लेके जा रहा है 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से, तो मेरे ख्याल से अब तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट तो अब 0 रहेगा। बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है कि वहां पे आपको डार्कनेस दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा आपको वहां पे? डार्कनेस। क्यों? बिकॉज एम्पलीट्यूड इस बार 0 हो गया। जो पार्टिकल जहां पे लाइट आनी चाहिए थी, विजिबल होनी चाहिए थी, वो पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। गेटिंग? सो ये है इंटरफेरेंस और ये है इंटरफेरेंस का इफेक्ट। तो आओ अब देखते हैं इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बस एक ही मिनट डेफिनेशन लिख लूं, देन यू मे राइट द थिंग्स। सो व्हाट डू वी मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन ऑफ सुपरपोज ऑफ 2 or more waves, 2 or more waves resulting in the resultant wave of lower or higher or 0 amplitude।
तो इंटरफेरेंस का मतलब दो या दो से ज्यादा वेव इस तरीके से मिल रही है कि उसका जो रिजल्टेंट है, हो सकता है कि उस रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड या तो ओवरऑल कम हो, या तो ओवरऑल ज्यादा हो, या ओवरऑल जीरो भी हो सकती है। समझ आया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है? क्लियर? ओके बच्चा लोग, अब सपोज करो कि मैं यहां पे एक सोर्स ले लेता हूं S1 और यहां पे दूसरा सोर्स लेता हूं S2। एक पार्टिकल ले लेता हूं पॉइंट P इधर। मान लो कि ये चलता 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 यहां से एक लाइट आई, वेव आई यहां से यहां तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, चलिए बोल देते हैं X1। उसी समय ये एक लाइट चलते 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 यहां पे आई और बोल देती कि चलिए इसका डिस्टेंस है X2। जहां तक मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट यहां से x1 दूरी पे है जो कि x2 से कम है ना। देखो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम दिख रहा है, ठीक है। अब अच्छा, अभी अभी हमने क्या देखा था कि y is equal to a sin omega t plus kx। बड़ा ये जो चीज होती है ना, इसको हम कहते हैं phi, मतलब फेस डिफरेंस। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में भी हमने कुछ ऐसी कहानी देखी थी, याद है? वहां पे भी दो करंट या करंट वोल्टेज सेम फेज आउट ऑफ फेज होते थे। फेज का मतलब क्या होता था, एक साथ इंक्रीज होना, एक साथ डिक्रीज होना, एक साथ मैक्सिमम पे आना, वापस डिक्रीज होना। वैसे ही सेम चीज यहां पर भी होगी। अच्छा अब मान लेते हैं कि चलिए देखिए इसकी इक्वेशन में लिख लेता हूं A1, A को A लेके चलते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहां पे हो जाएगा वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बच्चा एक्चुअली हमने यहां पे जो सोर्स दिया है ना, ये कोहेरेंट सोर्सेस है। कैसे सोर्सेस है? कोहेरेंट सोर्सेस। क्या होता है यार ये कोहेरेंट सोर्सेस? थोड़ा ऐसे दो सोर्स जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी सेम हो गए और फेज डिफरेंस जीरो हो गए। सर नहीं समझ आया, आओ देखते हैं। हमने क्या बोला कि ये दोनों सोर्स की जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो दोनों का सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2πf, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो हमने बोल दिया कि चलो दोनों की लीनियर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसी वजह से दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। चलो लिख देते हैं उसको। अब इतना ही नहीं बड़ा, इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी। क्यों वेलोसिटी सेम होगी? बड़ा दोनों लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम मीडियम में ट्रैवल करेंगे तो इसी वजह से स्पीड सेम होती है, हमको पता है। दूसरा बड़ा, अगर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो सीधी सी बात है लैम्बडा भी सेम होगा। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बेटा? एक साइकिल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज वेवलेंथ। या तो फिर ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रैश्ड, दो क्रैश्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्रैश्ड, क्रश नहीं है, क्रैश्ड, दो क्रैश्ड के बीच का जो अंतर होता है बेटा, ये डिस्टेंस सब सेम होता है। जैसे डेफिनेशन देनी दे लो। ओके अब यहां से बड़ा ध्यान से सुनना, ये एक फेज डिफरेंस है, इसको मैं बोल देता हूं चलिए फाई वन, ठीक है ना। इस समय सॉरी यहां पे देखो ये फेज है, बट स्टार्टिंग फेज सेम है। स्टार्टिंग फेज सेम का मतलब क्या है कि बेटा मैंने दोनों सोर्स को एक साथ चालू किया, यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको भी चालू कर रहा हूं एंड टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको भी चालू कर रहा हूं। सो ऐसे सोर्सेस जिसका फेज सेम हो, बेटा देखो दोनों का ओमेगा सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम टी जीरो पे इसको शुरू किया है। अभी तक क्या था बेटा कि इस जगह ये जो लाइट है ना, ये जो इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है। अब मैं यही इक्वेशन को इस पॉइंट पी के समय लिख लेता हूं कि जब ये वेव चलते 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 यहां पहुंचेगी तो क्या फॉर्मूला हो जाएगी। सो हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू, इसको भी वन दे देते हैं, वन एंड टू, वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। एक्चुअली हमने तो कोहेरेंट सोर्सेस लिया है तो ओमेगा सेम होगा, टाइम दोनों के लिए सेम, बिकॉज हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आफ्टर टी सेकेंड्स
आफ्टर टी सेकेंड्स ये दोनों वेव यहां पहुंच गए, सो टाइम दोनों के लिए सेम, इसलिए मैं टी वन टी टू नहीं लिख रहा हूं, और यहां पे मैंने डाल दिया एक्स वन, ये डिस्टेंस। सिमिलरली वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एच टू, बोलो सही है। अच्छा क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, सर कोवेरेंट सोर्सेस समझ गए क्या है, हमने कोवेरेंट सोर्सेस लिए हुए हैं इस वजह से ओमेगा सेम हो गया, दोनों का टाइम सेम है बिकॉज हमने ऐसा मान लिया कि इस समय दोनों वेव्स सेम टाइम पे यहां पहुंच रही है, ठीक है। सर x1 x2 आपने अलग लिख लिया बिकॉज दोनों का डिस्टेंस अलग है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट k, सर k क्या होगा, बेटा दोनों का k भी सेम होगा, बताओ क्यों। k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, बेटा लैम्डा सेम, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब k भी क्या हो जाएगा सेम, यानी कि अगर आप दो कोहरेंट सोर्सेस, दो या दो से ज्यादा कोहरेंट सोर्सेस ले रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, लैम्ब्डा, वेव नंबर सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ओके तो के भी यहां पे सेम हो गया, वो भी हमने देख लिया। अब एक और सवाल मेरे मन में उठ के आया, एक्चुअली मेरे मन में नहीं, एक बच्चे से उठ के आया, हमसे सवाल पूछा गया कि सर देखिए वेलोसिटी सेम है और टाइम भी सेम है सो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बट बेटा डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, क्यों अलग अलग हो सकता है, देखो दोनों की एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग होने के कारण डिस्टेंस ट्रैवलिंग में फर्क आ जाएगा, ये वेव है इसीलिए, अदरवाइज तो सेम होता, ठीक है। चलो डिस्टेंस की भी कहानी क्लियर हुई। अच्छा एक चीज बड़ा, इंटरफेरेंस के समय में आपको एक चीज बताना भूल गया था कि इंटरफेरेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, हमने उस बारे में डिस्कस किया लेकिन मैं नाम खाली बोलना भूल गया, कौन से, एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बड़ा कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जब दो वेव किसी पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, जैसे कि टू टू देखा था फोर हो गया, जब मैक्सिमम हाई हो गया था, एम्पलीट्यूड हाई हो गया था, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इस समय हमें ब्राइट, अगर मान लो कि इस चीज को मैं किसी स्क्रीन पे डालूंगा तो मुझे वो वहां पे ब्राइट पट्टी दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा, ब्राइट पट्टी। एंड दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का एक और कहानी आगे जाके पढ़ेंगे फेज डिफरेंस के टर्म्स में। बेटा डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि मान लो अगर कोई वेव है जो किसको दो नीचे लेके आ रही है और दो ऊपर लेके जा रही है, सो वो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब उस पॉइंट पे हमें ब्लैक स्पॉट दिखेगा, क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बोल देता हूं और यहाँ पे डार्क स्पॉट, सब काला काला दिखाई देगा हमको। सो जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। चलिए ये दो पॉइंट लिख लिया, ओके चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब अच्छा लोग मैं क्या करता हूं ना, इसका फेज डिफरेंस फाइंड करता हूं, बड़ा मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है वेव वन का फेज फाइव वन और इसको हम बोल देते हैं फेज फाइव टू, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस फाइव इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन, मैंने क्यों फाइव टू ही किया, बड़ा यहां पे देखो ओमेगा टी प्लस के ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए सेम है, एक्स वन एक्स टू, बड़ा एक्स वन एक्स टू में से कौन सा बड़ा है, x2 बड़ा है, अगर x2 बड़ा है मतलब ये टर्म बड़ी, मतलब ओवरऑल ये टर्म बड़ा, तो हमको पता है कि ये जो फेज है phi2 वो बड़ा है, इसलिए मैंने phi2 minus phi1 लिखा, so यहाँ पे क्या हो जाएगा omega t plus k x2 minus omega t minus के कारण sign change minus k x1, बोलो ठीक है। यहां से क्या हुआ omega t कट गया एंड k को कांस्टेंट निकाल लेते हैं x2 minus x1, ये x2 minus x1 क्या है, x2 minus x1 को मैं ऐसा कह सकता हूं पाथ डिफरेंस, x2 minus x1 क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस, एक वेव
इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दूसरा वेव इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सो कौन सी वेव ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, जितना डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, एंड एच टू माइनस एक्स वन इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस, और इस पाथ डिफरेंस को बेटा हम लोग डेल्टा एक्स से लिखते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला बन गई फाइ इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे जाके हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़नी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में न्यूमेरिकल्स भी यहां से आते हैं। सो फाइ इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा एक्स मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, पाथ डिफरेंस। क्लियर हुआ? अच्छा ओके okay. अब अच्छा सपोज करो कि अगर ये पार्टिकल सेंटर में कहीं पे होता, सेंटर में कहीं पे होता, इसका मतलब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम हो जाता, इसका मतलब x2 माइनस x1 जीरो हो जाता, और उस समय फेज डिफरेंस कितना मिलता हमको, जीरो। बड़ा फेज डिफरेंस जीरो मिला, इसका अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, हम समझते हैं। चलो क्या कहानी है इसकी सर बताइए। एक काम करते हैं, पहले ना हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो देख लेते हैं। चल यहां तक की कहानी होगा ओके। अब बेटा ये जो चीज है, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक वेव पार्टिकल को SHM करा रही है, भाई वेव आई, वेव ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, उस पार्टिकल को पकड़ लिया, वो पार्टिकल भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इट इज नथिंग बट द SHM। यस सो अब ये वेव कुछ SHM करा रही है, ये वेव दूसरा कुछ SHM करा रही है, यानी कि पार्टिकल इज अंडर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यू टू टू वेव्स। क्या होता है नेट, अब देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। बड़ा कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन में आपको लिखवाता हूं, पहले छोटी मोटी और जानकारी हम ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, एक SHM इसके कारण, एक SHM इसके कारण, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, y1 प्लस y2। बड़ा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पार्टिकल p जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्या करेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट करेगा। अच्छा अब ये तो वेक्टर एडिशन है, क्या करें इसमें, आइए देखते हैं। y1 के बदले a1 sin omega t plus kx1, क्या हम वेक्टर एडिशन ऐसे करते हैं, बड़ा ये ले लिया हमने y1, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फाइव, सो मैंने ये ले लिया यहां पे y2 और दोनों के बीच का डिफरेंस फाइव, क्या है सही। बड़ा एक बात बताओ, किसका फेज ज्यादा है, इसका फेज ज्यादा है कि इसका फेज ज्यादा है, x2 ज्यादा है, x2 बड़ी है वैल्यू x1 से, मतलब इसका फेज ज्यादा हुआ, सो ये आगे हुआ, ये आगे हुआ, इसका मतलब मुझे यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, यहां पे 1 लिखना पड़ेगा। बेटा करंट और वोल्टेज, वोल्टेज लैग्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट, याद है 190 डिग्री, हां अलग-अलग एंगल होते थे बाय फेज फाई, हम वहां पे भी लेते थे। सो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये वाली वेव पीछे चल रही है, बट अगर इस सेम फेज में होती, देखो फेज डिफरेंस जीरो का क्या मतलब है, फेज डिफरेंस जीरो का मतलब है कि दोनों लाइट एक साथ इंक्रीज हुई, एक साथ डिक्रीज हुई, एक साथ इंक्रीज हुई, एक साथ डिक्रीज हुई, वो कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट मिडल में होता है। इसका मतलब जब पॉइंट मिडल में है तो दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब अब वेव किसी भी पार्टिकल को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिला रही है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब जब कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस, तो कोई भी स्पॉट ब्राइट कब होगा, जब उस स्पॉट का पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब दिखाएगा, जब फेज डिफरेंस जीरो होगा, जब फेज डिफरेंस जीरो होगा। ये बातें याद रखना, आगे जाके लंबी लंबी सीरीज पढ़नी है कि यहां 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 ब्राइट बनेगा, यहां 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 डार्क बनेगा, इसका इतना फॉर्मूला होगा, इसका डिस्टेंस इतना होगा। देखो अब जैसे कि मान लो कि मैं यहां पे दो लाइट रखता हूं, सपोज करो कि दोनों कोहरेंट है, दोनों की दोनों लाइट कोहरेंट है, मैं यहां खड़ा,
मुझसे ये डिस्टेंस हो गया x1, ये डिस्टेंस हो गया x2, साफ साफ दिख रहा है कि ये डिस्टेंस इससे छोटा है और मैं इस समय बड़ा ग्लो नहीं करूंगा, मैक्सिमम ग्लो नहीं करूंगा। जैसे 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 मैं साइड में आऊंगा अब मेरा मैक्सिमम ग्लो हो जाएगा। आप कैमरा में भी इफेक्ट देख सकते हैं, मैं साइड में था, देखो मैं साइड में होता हूं तो ऑटोमेटिक लाइट डिम हो गई, मैं बीच में आया तो ऑटोमेटिक लाइट ब्राइट हो गई। ये आप वीडियोस में भी आप मेरे ऑब्जर्व करते होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप सेंटर में आ रहे हो ऑब्वियसली, चलो यहाँ पे लाइट नहीं है मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे दो लाइट नहीं है, पर अगर होती तो भी सेम इफेक्ट देखने को मिलता, बिकॉज डिस्टेंस सेम हो गया, फेज डिफरेंस जीरो हो गया, यहाँ का जो पार्टिकल है, मेरा एयर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर आप तो इतने बड़े पार्टिकल हो, लाइट आपको डिस्प्लेस कैसे करेगी? एयर पार्टिकल तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए मुझ पर ज्यादा ग्लोइंग हो रही है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, वापस यहाँ पे आते हैं। थोड़ा जैसे करंट और वोल्टेज की हमने बात की थी वैसे ही इसका फेज ज्यादा है, फेज डिफरेंस 5 है, लेकिन आगे कौन है? आगे तो ये है बिकॉज इसकी पाथ ज्यादा है, सो ये y1 यहां लिख लिया, y2 यहां। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? तो जहां पे मुझे लगता है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। कैसे पता चला? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 4, याद है कुछ? थोड़ा ये हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी कि ये वाई आर, चलो इसको वाई आर का नाम दो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब बड़ा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, तो मैं क्या करता हूं यहां पे, अब वाई टू के बदले ए टू और वाई वन के बदले ए वन लिख के चलता हूं। जो भी रिजल्टेंट है वो डिपेंड करेगा यहां पे एम्पलीट्यूड पे, बिकॉज बाकी सारे वैल्यू तो सेम है। ओके, सो रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा? 11th में हमने सीखा था रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, याद है कुछ? Yes, sir. और अब मैं क्या करता हूं बेटा, रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल थीटा ले लेता हूं। सो एक्चुअली अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा? डायरेक्शन tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बेटा ये a1 है तो ये भी a1 हो जाएगा, ये a2, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? ए वन बाय ए टू, क्या हमको ये यूज होने वाला है? यस yes, ये यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स के अंदर। मतलब जो रिजल्टेंट आया वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच का कोई रिजल्टेंट होगा और इसी में छुपा होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सॉरी बच्चा लोग, ये पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल नहीं। सो यहां पे साइन थीटा निकालना है हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी, सॉरी ये कौन सा है? ए वन, ए वन साइन फाइव अपॉन ए टू प्लस ए वन कॉस फाइव। अब ये फॉर्मूला कहां से आई? तो उसके लिए हमको 11 में जाना पड़ेगा। 11 का अगर आप कॉन्सेप्ट याद हो तो ये एंगल हम इस टाइप से निकालते थे, ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर बी होता था। क्लियर? सो इस तरीके से हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, अब एक्चुअली हम देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन होती क्या है। थोड़ा ऐसे दो सोर्सेस, ऐसे दो सोर्सेस जिसका ओमेगा सेम हो उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, या हम ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, द सोर्सेस विच हैव द टू और मोर सोर्सेस, ऐसा लिखना, द टू और मोर सोर्सेस विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड whose wavelength does not change over the time are called coherent sources. ऐसे sources जिसका frequency same हो और जिसकी wavelength time के हिसाब से change ना हो रही हो उन्हें हम कहते हैं coherent sources. बट अब coherent sources की शुरुआत हमेशा same phase से होती है। I repeat, देखो
ये दो कोरेंट सोर्सेज है, इसको टाइम जीरो पे चालू किया, दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, है क्या नहीं? सो कोई भी कोरेंट सोर्सेज अगर एक ही समय पे स्टार्ट किए जा रहे हैं तो अगेन डिपेंड करेगा ना, किसी एक को पहले चालू कर दो, दूसरे को बाद में करो, तो फेज डिफरेंस आ सकता है। अगर आप दो सोर्सेज को साथ में चालू कर रहे हैं तो वो सेम फेज में होंगे। हाँ, अगेन दो चीज डिपेंड करेगी कि दोनों का पाथ भी सेम होना चाहिए, तो ही फेज सेम होगा। क्लियर हुआ? ओके। अगर बेटा सपोज करो कि ये कोरेंट सोर्स नहीं होता, अगर ये कोरेंट सोर्स नहीं होता तो क्या होता, मतलब ये ओमेगा कुछ अलग हो जाता। मैं ऐसा मान लेता हूं, देखो चलो आप देखिए, इसको मिटाऊं। देखो अभी तक हमें को क्या मिल रहा था, कोहेरेंट सोर्सेस लेने का फायदा क्या हो रहा था बेटा, कि कहीं पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है टोटली ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है टोटली ब्लैक। सो एक्चुअली कोहेरेंट सोर्स लेने के कारण अगर मैं उसको किसी स्क्रीन पे डालूंगा तो मुझे फ्रिंजेस मिलेंगे। फ्रिंजेस मतलब कि स्लैब, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझेंगे फ्रिंजेस का और भी अच्छे से। मतलब एक व्हाइट स्लैब, एक ब्लैक स्लैब, यानी कि होगा क्या कि बीच में व्हाइट पट्टी, साइड में ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, ऐसे व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक की मुझे पूरी पैटर्न मिलेगी। क्या मिलेगी? पूरी ऐसी पैटर्न मिलेगी। तो वैसी पैटर्न अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस में हो सकती है। अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, इफ सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, मतलब सीधी सी बात है बेटा कि दोनों का ओमेगा चेंज हो जाएगा। चलिए तो y1 क्या बन जाएगा, a1 sin omega 1t plus kx1, y2 is equal to a2 sin omega, k भी चेंज हो जाएगा ना बेटा अगर omega चेंज होगा तो, so omega 2t plus k2 x2। बोलो सही है? देखो यहाँ पे टाइम सेम है, हम अभी भी यही मान के चल रहे हैं कि जितने समय में ये वेव यहां से यहां आई उतने समय में ये वेव यहां से यहां आई, तो टाइम अभी भी दोनों के लिए सेम है। अच्छा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट या सॉरी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बड़ा, फेज डिफरेंस क्या होगा, फाइव टू माइनस फाइव वन। फाइव टू मतलब ये ओमेगा टू टी प्लस के टू एक्स टू माइनस फाइव वन ओमेगा वन टी प्लस के वन एक्स वन। बोलो सही है? यहां से मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं ओमेगा टू टी माइनस ओमेगा के टू एक्स टू प्लस माइनस माइनस के वन एक्स वन। तो यहां पे मैं टी कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन प्लस के टू एक्स टू माइनस के वन एक्स वन। बेटा जरा ध्यान से देखो कि इस बार जो फेज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जो फेज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। ये क्या है, फेज डिफरेंस। पहले क्या था कि फेज डिफरेंस कॉमन था, देखो जैसे कि सपोज फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट का मतलब जीरो है ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट का मतलब एक वेव इधर है एक वेव इधर है, तो ये पूरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझ आ रहा है? ये जो डिफरेंस है ये मेंटेन रहेगा पूरी जर्नी पे, डिफरेंस मेंटेन रहेगा। इसका मतलब जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो भी सेम रहेगा, चाहे वो ये पार्टिकल हो, चाहे वो ये पार्टिकल हो, चाहे वो ये पार्टिकल हो, कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ओमेगा चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने की वजह से ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होने की वजह से ओवरऑल वैल्यू चेंज होगी, ओवरऑल वैल्यू चेंज होने का मतलब फेज डिफरेंस चेंज होगा। अब फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो शुरुआत मान लो ऐसे हुई, सपोज करो शुरुआत ऐसे हुई, ऐसे वे जा रहे थे, कुछ हुआ पता नहीं क्या हुआ, फिर कहीं पे साथ में आ गए, फिर कहीं पे अलग अलग होते गए, पीछे जाते गए। इसका मतलब हुआ क्या कि पूरे रास्ते पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो वो किसी पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है तो किसी पार्टिकल को नीचे लेके जा रहा है, एक ही जगह के अलग अलग पार्टिकल। एक कोई देखो मान लो ये स्पेस है, यहाँ पे दो पार्टिकल है, अब बेटा जो ग्लो होता है वो एक पार्टिकल के अंदर ना होता है, जितने भी हजारों पार्टिकल्स होते हैं ना सबके कारण होगा। सो सपोज करो कि दो पार्टिकल है, एक ऊपर जा रहा है, हो सकता है उसी समय दूसरा नीचे आवे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इतना ऊपर जा रहा है और दूसरा इतना ही ऊपर जा रहा है, फेज डिफरेंस
होने के कारण, फेज डिफरेंस अलग अलग हर समय अलग अलग होने के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो जो डार्क ब्राइट जो फ्रिंजेस हमको चाहिए थी वो अब नहीं मिलेगी। और ऐसा भी होगा बेटा कि आपको डार्क ब्राइट देखने को ही नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है कि आपको डार्क या ब्राइट कुछ भी ऑब्जर्व ही नहीं होगा। जैसे कि आप रूम के अंदर लाइटें चालू करते हैं बेटा, अलग अलग बॉल्ड की लाइटें होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, सो ओवरऑल आपके ऊपर कुछ अलग इफेक्ट होगा। आपको आप कभी अपने रूम में या अपने शरीर पे देखें तो कोई ब्लैक स्पॉट नहीं दिखाई देगा, क्यों? बिकॉज दे आर दी नॉन करंट सोर्सेस। 99% या सीधी सी बात, हम कोई कंपनी की लाइट ला रहे, कोई दूसरी कंपनी की, कोई हाई वोल्टेज की, कोई लो वोल्टेज की, है ना? सो उसके कारण हमको कोई भी ब्लैक स्पॉट हमारे प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर हम स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं। अगली बार थोड़ी सी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी बाकी है, वो पढ़ के हम सीधा जाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट की कहानी हमें और अभी पढ़नी है किस कोहरेंट को लेके। ये पूरा बेटा हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। देखो एक्चुअली आज हमारा मकसद आपको कोहरेंट सोर्सेस बताना नहीं था, आपको इंटरफेरेंस बताना नहीं था। हमारा मकसद था कि हमको आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाना है, तो उसके लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो आज हमने देखी। ठीक है बच्चा लोग, सो अगली बार मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।